हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। सो आज हम लोग इंदौर टीसीएस और इन्फोसिस का ऑफिस देखेंगे बाय रोड। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टार चौराहे से, जो कि स्कीम नंबर 134 में पड़ता है और नियरेस्ट है बेस्ट प्राइस इंदौर के। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम स्टार चौराहे से रेडिसन स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर है फ्रॉम स्टार चौराहा। अभी हम लोग रेडिसन स्क्वायर पे पहुंच गए हैं। यहाँ से अगर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो रिंग रोड पड़ेगा, इसी रोड पे खजराना मंदिर पड़ता है, एंड अगर राइट साइड लेते हैं तो बॉम्बे हॉस्पिटल तरफ पहुंच जाएंगे, बट हमें सीधे लेना है। यहाँ से अगर हम सीधे लेते हैं तो हम विजयनगर स्क्वायर तरफ अभी जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ही रेडिसन ब्लू होटल है। अभी इंदौर मेट्रो का काम चल रहा है, तो थोड़ा सा रास्ता अभी बिल्कुल ज़्यादा चौड़ा रास्ता नहीं है, बट ठीक है रास्ता अभी। तो अभी हम विजयनगर स्क्वायर तरफ जा रहे हैं। अभी हम विजयनगर स्क्वायर पे पहुंच गए हैं। यहाँ से हम सीधे स्ट्रेट लेंगे, बट अभी आई थिंक सिग्नल बंद है, तो हम आगे से यू टर्न लेके आते हैं। तो
अभी यहाँ से हम लेफ्ट टर्न ले लेंगे, और लेफ्ट टर्न लेके जो नेक्स्ट स्क्वायर है, जो हम भमोरी चौराहा बोलते हैं, यहाँ से यू टर्न ले लेंगे। अगर पीछे से ही हम लोग अगर स्ट्रेट जाते हैं तो सीधे सयाजी स्क्वायर तरफ जाते हैं, बट अभी यहाँ से हमको वापस यू टर्न लेना पड़ेगा। अभी हमने यू टर्न ले लिया है, हम फिर से विजयनगर स्क्वायर तरफ जा रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड पे कालिका माता मंदिर है। अब हम यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे और सयाजी स्क्वायर तरफ जाएंगे विजयनगर से। मेट्रो के कारण थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है, और पूरा कंस्ट्रक्शन के कारण सब ये बहुत ब्यूटीफुल स्क्वायर हुआ करता था, बट सब टूटा टूटा लग रहा है अभी, जब तक मेट्रो नहीं बन जाता। अभी हमने लेफ्ट टर्न ले लिया है और हम सयाजी स्क्वायर तरफ जा रहे हैं। बीच में काफ़ी अच्छा रोड था ये, बट अभी मेट्रो के कारण टूट गया सब। अभी हम सयाजी स्क्वायर पर पहुंच गए हैं। अब हम सयाजी स्क्वायर से बापट स्क्वायर तरफ जा रहे हैं। सीधे जाने पे हम बापट स्क्वायर पे पहुँचेंगे। सयाजी और बापट स्क्वायर के बीच में लेफ्ट हैंड साइड पे मैकडूत गार्डन है, जो काफ़ी अच्छा गार्डन है इंदौर का। और मैकडूत गार्डन के जस्ट पास में ही है मैरियट होटल इंदौर का, जो काफ़ी अच्छा होटल है। अभी हम बापट स्क्वायर पे जा रहे हैं। अभी हम बापट स्क्वायर पे पहुंच गए हैं, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्क्वायर भी कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ही बापट हॉस्पिटल है, सो इसे बापट हॉस्पिटल के कारण ही इसे बापट स्क्वायर भी बोलते हैं। अब हम यहाँ से
स्ट्रेट लेंगे और सीधे एम आर टेन स्क्वायर तरफ चलेंगे। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है आज। यहाँ से सीधे लेना है हमें। बापट स्क्वायर से अभी हम सुकलिया तरफ जा रहे हैं। ये पूरा जो जगह है ये पूरा सुकलिया है। अब हम लोग सुकलिया क्रॉस करके एम आर टेन स्क्वायर पर पहुँचेंगे। अभी कुछ कुछ जगहों पे मेट्रो के पिलर्स लगने चालू हो गए हैं, जैसे यहाँ सुकलिया तक ऑलमोस्ट काफ़ी कॉलम्स खड़े हो गए हैं मेट्रो के। काफ़ी क्लीन जगह हुआ करता था, बट अभी पूरा कंस्ट्रक्शन के कारण डस्ट और पूरा टूटा फूटा लग रहा है। काफ़ी पेड़ भी थे इस तरफ जो कि मेट्रो के कारण कट गए हैं। अभी हम एम आर टेन स्क्वायर पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे भी एक मेट्रो का चौराहा बनेगा। काफ़ी कंजेस्टेड हो चुका है ये रोड भी। अभी हमें स्ट्रेट लेना है। ये एम आर टेन स्क्वायर पर हम लोग पहुँच चुके हैं। हमें सीधे यहाँ से जाना है। यहाँ मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में ही ISBT इंदौर बन रहा है, तो यहाँ से इंटर स्टेट बस सर्विसेज भी चालू होगी। यहाँ से काफ़ी स्टेट्स की बसें डायरेक्टली मिलेंगी यहाँ से, तो काफ़ी अच्छा है। ये मेट्रो स्टेशन के पास ही ISBT का स्टेशन भी आ गया है, बस टर्मिनल। अभी हम ये फ्लाईओवर यूज़ कर रहे हैं और सुपर कॉरिडोर तरफ अप्रोच कर रहे हैं।
अभी हम लोग यहाँ से लवकुश चौराहे पे जाएंगे। अभी हम लोग लवकुश स्क्वायर पे पहुंच गए हैं। यहाँ से अगर लेफ़्ट लेते हैं तो इंदौर सिटी और बाणगंगा पहुंचेंगे, और राइट साइड अगर लेते हैं तो हम अरबिंदो हॉस्पिटल, यहाँ से बिल्कुल पास में ही है। राइट हैंड साइड अगर लेते हैं तो लवकुश चौराहे से, और राइट हैंड साइड ही लेके हम उज्जैन पहुँच सकते हैं। लेकिन हमें स्ट्रेट जाना है, जो सुपर कॉरिडोर उधर जाता है रास्ता, इसी पे TCS और इन्फोसिस है। और आगे अगर इसी रूट को कंटिन्यू करते हैं तो हम सीधे इंदौर एयरपोर्ट पे पहुंच जाए। Thank you.
अब हम सुपर कॉरिडोर तरफ चलते हैं। यहाँ से सुपर कॉरिडोर स्टार्ट हो जाता है। अभी हम ये फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हैं जो टीसी स्क्वायर से पहले पड़ता है। आज काफी ठंड है इंदौर में, आप हल्का हल्का फॉग भी देख सकते हैं। अभी आज क्लियर नहीं है पूरा, अभी थोड़ा दूर दूर तक दिख रहा है हल्का हल्का सा फॉग। इस फ्लाईओवर से उतरते ही हम लोग टीसीएस स्क्वायर पे पहुंचेंगे। अभी हम लोग TCS स्क्वायर पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेते हैं सर्विस रोड पे। सर्विस रोड से ही TCS चलते हैं। अभी हम लोगों ने सर्विस रोड ले लिया है और ये TCS है। यहाँ से काफ़ी बड़े एरिया में यहाँ पे TCS है और इन्फोसिस भी। अभी हम सर्विस रोड से आगे इंफोसिस तरफ चलते हैं। अभी एक्चुअली लॉकडाउन के कारण ऑफिसेस भी क्लोज हैं। तो हम बाहर से ही वीडियो बना रहे हैं अभी, हमारी गाड़ी से ही सर्विस रोड पे चलते हुए। काफ़ी ग्रीनरी है इधर और काफ़ी बढ़िया जगह पे बना हुआ है ये। राइट हैंड साइड पे सुपर कॉरिडोर वाला रोड है जो हम लेके आए हैं अभी, और अभी हम सर्विस रोड पे चल रहे हैं। ये पहला गेट है TCS का। थोड़ा धुंध है तो क्लियर व्यू भी नहीं आ रहा है प्रॉपर।
हम सोच रहे थे कि रुक के वीडियो बनाएंगे, बट आज क्लियर बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा धुंध दिख रहा है आज। ये सेकेंड गेट है TCS का, काफ़ी अच्छा बना हुआ है अंदर, पूरा नर्मदा रिवर और दोनों तरफ जो पर्वत है उसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही है पूरा बिल्डिंग बना हुआ है TCS का यहाँ। काफ़ी बड़े एरिया में है, काफ़ी सुंदर बना हुआ है। अभी हम लोग सर्विस रोड पे ही कंटिन्यू कर रहे हैं और ये पूरा TCS का ही बाउंड्री है। इधर से मेन गेट है TCS का, आप देख सकते हैं इधर। अभी हम सर्विस रोड पे ही चल रहे हैं आगे। यहाँ पे TCS ख़त्म हुआ है, यहाँ से इन्फोसिस चालू है, ये इन्फोसिस की बाउंड्री स्टार्ट हो गई है यहाँ से। आगे आपको दिख रहा होगा इन्फोसिस का बिल्डिंग भी यहाँ पे, ये भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, इसका कैंपस भी काफ़ी अच्छा है इंदौर का, आप देख सकते हैं इन्फोसिस यहाँ पे। अभी हम इन्फोसिस से आगे सर्विस रोज पे कंटिन्यू करेंगे। तो हम सर्विस रोड से मेन सुपर कॉरिडोर रोड पे लेंगे, ये इन्फोसिस स्क्वायर है। अभी हम यहाँ से राइट टर्न लेके एयरपोर्ट तरफ चलेंगे, सुपर कॉरिडोर रोड पे ही चलेंगे आगे हम लोग, और आपको हम वहाँ से यू टर्न लेके वापस इसी रूट पे आएंगे।
अभी सुपर कॉरिडोर रोड जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है यहाँ पे। यहाँ से अगर राइट हैंड साइड जाते हैं तो गांधीनगर पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो 1.5 किलोमीटर पे एयरपोर्ट पड़ेगा, और अगर स्ट्रेट जाते हैं तो हम धार पहुँच जाएंगे, धार मांडव बेटमा। बट हम लोग वापस से यू टर्न लेके सुपर कॉरिडोर पे ही वापस इन्फोसिस और TCS तरफ मुड़ते हैं। अभी हम लोग यू टर्न ले रहे हैं वापस सुपर कॉरिडोर तरफ ही। हमने यू टर्न ले लिया है और सुपर कॉरिडोर रोड पे ही आगे चल रहे हैं। जैसे हम यू टर्न लेते हैं और सुपर कॉरिडोर रोड पे ही जाते हैं तो थोड़ी दूर चलने पे ही लेफ्ट हैंड साइड पे सिम्बोसिस इंदौर भी है, जो कि नियरेस्ट है इंफोसिस स्क्वायर के। हाँ, अभी हम लोग यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।